आरओसी से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है हमारे सेम इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। आज हम आपको उसी के बारे में डिस्कशन करने आए हैं, आरओसी का एक जो मेन पार्ट जिसे बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। बहुत ही सारे चेंजेस आए थे, पहले फॉर्म्स में कैसे भरते थे, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायरमेंट्स होती थी, उन चीजों को लेकर के, और नया फॉर्म जो इम्प्रूव हुआ है उन चीजों को लेकर के क्या डिफरेंस है, कैसे क्या चीजें आप कर सकते हैं उसमें, और क्या क्या मेन बात है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन, आज हमारे साथ हैं आरओसी के बहुत ही ज्यादा कोर्स में इन्वॉल्व, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज रखने वाले राहुल शर्मा। मैं स्वागत करना चाहूंगा राहुल आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं कुछ व्यूज कुछ भी ना बोलते से पहले मैं आपसे राहुल यही पूछना चाहूंगा कि क्या स्पाइस प्लस जो फॉर्म है वो स्पाइस से कैसे डिफरेंस है, आप अगर शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, स्पाइस जो फॉर्म था वो एक बैकग्राउंड प्रोसेस पे चलने वाला फॉर्म था। उसको आप क्या करते थे, डाउनलोड करते थे एमसीए से, फिर अपने कंप्यूटर पे उसको फिलअप करके अपलोड मारते थे जी। लेकिन अभी जो नया फॉर्म आया है स्पाइस प्लस, उसमें क्या है, सब कुछ वेब लिंक हो गया है। आप लोग ना फॉर्म डाउनलोड करोगे ना कुछ, सीधा वेबसाइट पे जाइए एमसीए के, वहाँ पर डिटेल्स फिल कीजिए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वेरीफाई होंगी, ठीक है, और ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, मतलब अगर ये चीज कहा जाए तो ऑफलाइन का टूल एक तरह से हटाया गया है और ऑनलाइन को लिए ऑटोमेशन किया गया है। हाँ, मतलब थोड़ा सा ये है कि आपका टाइम सेविंग हो गया। कई बार कुछ ऐसे एरर्स आ जाते थे जिस वजह से फॉर्म भी करप्ट हो जाता था फॉर्म, हाँ। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके टाइम सेविंग हो जाएंगी। और कुछ चीजें जो ऐड की गई हैं कि कुछ चीजें मैंडेटरी बेसिस पे आपको दे दी जाएंगी, जिनकी रिक्वायरमेंट शायद आपको हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको एज एन यानी कि कंप्लायंस के तौर पर, ताकि इंडिया में जो है लेबर कंप्लायंस को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके, या फिर कंप्लायंसेस जो कंपनी से रिलेटेड है उनको थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके, तो कुछ चीजें मैंडेटरी बेसिस पे आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये जो पार्ट है स्पाइस प्लस छोटा सा फॉर्म नहीं है, ये काफी लेंथ में कवर्ड होता है, तो इसके लिए हम सेम पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में अभी जैसा राहुल जी ने डेफिनेशन हमें बताया स्पाइस प्लस का, वो और भी हम थोड़ा डिटेल में व्यू देखेंगे कि कैसे वो पुराने वाले स्पाइस फॉर्म से डिफरेंस है उसमें, और दूसरी चीज कि क्या क्या सर्विसेज जो एमसीए ने पोर्टल ने हमें नई ऑफर करी है सारी कंपनीज को लेकर के, या फिर नया इनकॉर्पोरेशन अगर आप करने जाते हैं तब, और दूसरी चीजें इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये दो तीन बात आज हम जानेंगे। तो राहुल, पहले स्टार्ट करते हैं कि सर्विसेज कौन सी ऐसी हैं जो कि स्पाइस में पहले नहीं दी जाती थी और स्पाइस प्लस में उसका एडिशन हो चुका है, जिससे यूजर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, पहले अगर हम स्पाइस फॉर्म फाइल करते थे तो स्पाइस में जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है रन से, यानी कि रिजर्व ऑफ योर नेम। उसमें क्या करते थे, पहले आप रन फाइल करते थे, एक नेम रिजर्व कराते थे, ठीक है, या फिर एक डायरेक्ट प्रोसेस थी कि आप स्पाइस फाइल कीजिए, अगर आपका नाम आपको मिलता है तो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती थी कि अगर आपका नाम नहीं मिला तो पूरी की पूरी इतनी लंबी प्रोसेस जो है वो फेल, आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, तो लोग क्या करते थे, रन के थ्रू जाते थे। लेकिन अब जो है रन को इसी में कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो स्पाइस प्लस में अगर आप देखें तो दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपके नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और जो पार्ट बी है उसमें बाकी सारे कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है, लाइक डिन अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, आपका पैन अलॉटमेंट हो गया, कंपलसरी पीएफ रजिस्ट्रेशन हो गया, एएसआई रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन और बाकी जितनी भी बोले जाए, तो मान लो नाम अगर आप बिना रन अप्लाई किए डायरेक्ट नाम अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इस सबको ऑनलाइन ले जाया गया है, और रन की एक जो प्रोसेस थी उसको सिंप्लीफाइड करके इसी फॉर्म में मर्ज कर दिया गया। ओके, मतलब अगर कहने के लिए बोले कि जो आपका टाइम पहले जाता था रन फॉर्म भरने के लिए पार्ट ए, मतलब पहले वो भी पार्ट ए के रूप में ही था बट वो डिफरेंट था, अलग फॉर्म था, उस पार्ट ए को आप फिल करते थे, उसमें आप अपना दो प्रपोज नेम, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो प्रपोज नेम आप उसमें डालते थे, दो प्रपोज नेम के साथ आप उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करके एज पर इंडस्ट्रियल कोड आप उसको प्रोसेस फिल करते थे। बट इनकेस जैसा राहुल जी ने बताया कि वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोसेस में हो जाता था कि वो रिजेक्ट हो जाता है अगर फॉर्म, तो वो
काफी लंबी प्रोसेस होता था कि हाँ उसमें अप्रूवल में टाइम आता था, फिर अप्रूवल के बाद उसमें 20 दिन का टाइम मिलता था, तो बाकी जो 20 दिन वाला जो टाइम है 20 डेज का कि नेम अप्रूवल के बाद आपको 20 डेज मिलेंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए, वो अभी भी लिटरली सेम है, सेम टू सेम, बट उसको इन्वॉल्वमेंट उसका स्पाइस प्लस में कर दिया गया है। हाँ, अब सिर्फ जो रन जो बचा है अब वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अगर नाम चेंज करना चाहते हैं वही यूज करेंगी रन, बाकी लोगों के लिए ट्रैफिक वहां से हट चुका है, वो सीधा स्पाइस प्लस के थ्रू ही जाएंगे। जी, मींस साथ ही साथ आप पार्ट ए भी अप्लाई करिए, पार्ट ए का जैसे ही आप अप्रूवल देखेंगे अप्रूवल के तुरंत बाद फिर आप पार्ट भी भर सकते हैं, मर्जी है। अगर आप चाहो कि भाई एक प्रॉपर वे में चले, रिजेक्शन ना फेल करना पड़े, फेस करना पड़े, तो आप पार्ट ए भरिए, नेम रिजर्व कराइए, फिर पार्ट बी पे जाइए, या फिर आप डायरेक्टली पार्ट बी पे जाइए, आपका सब कुछ सही हुआ तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तुरंत, पार्ट ए भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे आपने पार्ट बी में कुछ नेम्स बताए हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि यूजर्स को थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे हर पॉइंट के छोटे छोटे व्यूज अगर आप उसको प्रोवाइड कर दें तो। देखिए, फॉर्म में जो सर्विसेज आपको स्पेशली प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब अगर हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो जैसे स्पाइस फॉर्म था कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, स्पाइस प्लस के थ्रू भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये एक सर्विस हो गई। दूसरा, अगर आप डिन अलॉटमेंट कराना चाहते हो, यानी कि पहले डिन लो बाद में सब डायरेक्टर्स की डिटेल भरो, ये करने के बजाय आप डायरेक्टली स्पाइस प्लस के थ्रू इनकॉर्पोरेशन और साथ साथ डिन अलॉटमेंट कराना चाहते हो तो ये भी करा सकते हो। अब जो डिन है वो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जब कंपनी में कोई भी पर्सन एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको डिन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप इस फॉर्म के थ्रू ही कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा अगर आप लोग को डिन कैसे अप्लाई करना है, डीएससी कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं, डिस्टा सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उस वीडियो का लिंक भी आपको सेम वीडियो के जस्ट नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देखें, वो हमारे सेम यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। सो आगे उसके बाद अगर हम बात करें तो पैन की एप्लीकेशन इसी के साथ आप लगा सकते हैं, वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब फिजिकली भेजना जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि इजी टू रीच है, ऑनलाइन सबके पास पहुंच जाएगा, एड्रेस पहुंचने में कई बार महीने लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टैन की अलॉटमेंट जो है वो आपको इसी के साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। जीएसटी की जीएसटी नंबर जो है वो आपको तुरंत इसी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ईएसआई जो लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ईएसआई भाई कर्मचारी जो कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो सुविधाएं हैं वो आपको इसके साथ मिल जाएंगी, पीएफ का जो नंबर है वो आपको इस फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा। और ये सर्विसेज ऐसी हैं जो मैंडेटरी बेसिस पे आपको मिलेंगी, यानी कि लेनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। पहले क्या होता था, कंपनी में लागू है वो चीज, लग रही है वो कंप्लायंसेज, लेकिन कंपनियां नहीं लेती थी, क्यों उनको, क्योंकि एक तो वो कंप्लायंस करना पड़ता था, ऊपर से फिर ऐसे में लेबर लोगों का बहुत नुकसान था कि जो लोग आपके ऊपर लग रहा है उसका अगर आपको फायदा ना मिले तो कितनी बड़ी हैरेसमेंट होगी आपके लिए, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसके साथ ही आप ये सब चीजों को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कहो या फिर आप कंपलसरी बेसिस पे कहो, आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी ये चीजें, वो होंगी एजाइल प्रो फॉर्म में जो इसी के साथ अटैच होगा। जी, और फिर साथ में आई थिंक बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज भी इन लोगों ने दी होगी कि आपको बैंक अकाउंट आप सिमिलरली उसमें साथ में प्रोवाइड करा दे, उसमें डिटेल्स आपको चूज करना होगा, आपका जहां पे आप एड्रेस अप्लाई कर रहे हो उसका लोकेलिटी को चूज करके, और फिर ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स सारे बैंक जितने भी बैंक ऑरओसी से लिंक्ड है, एमसीए पोर्टल से लिंक्ड है, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये इंटरेस्टेड यूजर हैं जो आपके बैंक अकाउंट में ओपनिंग कराना चाहते हैं। वहां पे एक ही ऑप्शन खाली मिलता है आपको बैंक अकाउंट चूज करने के लिए, और फिर आपको वो कॉन्टेक्ट करते हैं बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोग पहले बैंक इस बैंक गए उस बैंक गए काफी टाइम तक भटकते रहते थे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है एक INC 20A की कंप्लायंस होती है जिसमें बैंक स्टेटमेंट लगती है। अब उसका टाइम पीरियड तो मान लीजिए 6 महीना है, लेकिन 6 महीने तक लोग बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवा रहे, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिक्वायरमेंट साथ साथ फिल हो गई, काम जो आप तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स ये हो गया, पहले जो आप टाइम लगाते थे कि अलग अलग जगह पे जाके आप करंट अकाउंट ओपनिंग करवाने के मिनिमम चार्जेस पहले दिन पूछ के आते थे, फिर नेक्स्ट डे आप पूछ के आते थे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसमें लगेंगी, कौन कौन से पेपर्स लगेंगे। और मैं एक चीज और इसमें राहुल जी ऐड करवाना चाहूंगा कि पेपर्स जो आपने आरओसी के एक बार सबमिट कर दिए, वो पेपर्स ऑलरेडी उनके पास होते हैं, ऑलरेडी आरओसी डिपार्टमेंट से ही वहां से चले जाते हैं, तो फिर आपको एक बार मे बी शायद कंफर्मेशन के लिए सॉफ्ट कॉपी फिर से सबमिट करना पड़ जाए या हार्ड कॉपी जैसा भी डिमांड करते हैं बैंक, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होती है। बिल्कुल। सो ये था एक पार्ट ए और पार्ट बी का कि हाँ पहले भी सेम चीजें होती थी बट बहुत सारी चीजें हैं जो एड ऑन हुई हैं, जैसे आपको जीएसटी साथ में मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, जीएसटी मैंडेटरी फॉर्म में नहीं है,
वो अगर आप एप्लीकेबल होता, आप चाहते हैं कि ही ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस आपका है जो आपको अप्लाई करने पे मजबूर करता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ESISC का जो आपने इंश्योरेंस के लिए बोला है वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है, वो कंपलसरी है। EPFO रजिस्ट्रेशन वो आपका कंपलसरी है, बैंक अकाउंट भी कंपलसरी है, आपको अप्लाई करना ही करना है साथ में। तो ये सारी चीजें हैं जो फैसिलिटीज जो इस पुराने स्पाइस फॉर्म से नए स्पाइस प्लस को डिफरेंट करती है। हाँ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो दो, जैसे कि आपने बताया था दो पार्ट में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए अगर मैंने नेम अप्रूव कर लिया है और इन केस इसकी लिमिट क्या है, प्रीवियसली वाली थी जो और न्यू वाली है डेज की? मान लीजिए देखो जो पहले था ना सब कुछ कंडीशन सेम वैसे ही है, बस आपको अब बैक एंड कंप्यूटर पे जाकर आपको सब कुछ ना करने के बजाय ऑनलाइन ही एक पोर्टल प्रोवाइड कर दिया, ऑनलाइन एक सर्वर प्रोवाइड कर दिया ताकि ऑनलाइन इजी और जल्दी हो सके चीजें। जी ठीक है, तो बाकी सब प्रोसेस वैसा ही है, बस उसको मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन तक ले गए हैं। जी, ऑफलाइन मोड से हटा करके वो सारी चीजें फिर ऑनलाइन मोड पे इन्होंने डाल दिया। ठीक है, और इसमें फिर काफी चीजें और भी डिस्कस करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मींस लाइक जैसे फीचर्स ऑफ स्पाइस प्लस है और आपकी और भी चीजें हैं जो क्या क्या अटैचमेंट्स जा सकती हैं स्पाइस प्लस में। तो अभी सेम के लिए, आज के लिए मैं इंट्रोडक्शन में राहुल जी से अगर और कुछ पॉइंट्स ऐसे बचते हो जो इंट्रो के लिए इनके काफी हो उसे आप एड ऑन करना चाहें। देखिए अगर थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो पहले स्पाइस फॉर्म जो था वो सिर्फ MCA तक ही जाता था, MCA मिनिस्ट्री जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती थी। तो क्या होता था जब पहले लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे नहीं करवाते थे, लेकिन अब वो जो कंप्लाइंस है वो कंपनी को कंपल्सरी बेसिस पे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री जो है उसका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि EPFO और ESI का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसी के थ्रू होगा। ठीक है, और एक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो एक प्रोफेशनल टैक्स करके लगाती है अपनी स्टेट में, तो उसका जो प्रोसेस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यानी कि उस स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट अब इसमें आ गया। तो अब तीन मिनिस्ट्री मिलकर एक साथ काम कर रही है, तो आपको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम आपका कंबाइन हो चुका है, टाइम सेविंग हो चुका है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक इस गवर्नमेंट का जो गोल है कि जितना इजी किया जा सके उतना इजी करा जाए, तो ये उसकी तरफ एक और स्टेप है गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि हाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप पहले बहुत सारे पीपल्स जो मे बी इस वजह से भी हट जाते थे कि हाँ कंप्लायंसेस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मुझे ये चीजें फॉलो करनी पड़ जाएंगे, मुझे ये चीजें ऐसे जाके फॉलो करना पड़ जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे राहुल जी ने बताया कि जाना पड़ सकता है, अब जो चीजें हैं वो एक सेम डिपार्टमेंट, मीन्स अब अगर आप कहें कि जैसे हमने पढ़ा है कि सेंट्रलाइज जो चीजें होती है वो सेंट्रलाइज अब MCA के हाथ में है और काफी सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के उन्होंने ये एक नया स्टेप लिया है। ये खाली यूजर की कंपेटेबिलिटी के लिए है, यूजर की कंफर्टेबिलिटी के लिए है कि अब यूजर को फ्रेंडली एक तरह से बनाया जाए, फ्रेंडली स्पाइस प्लस। अब तो मे बी जहां तक जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक ये बहुत ही फ्रेंडली हो चुका होगा यूजर्स को, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी सर्वर की बट अभी काफी हद तक रिजोल्व हो चुकी है। जी, अगर आप लोग को कोई भी इशू आता है स्पाइस प्लस फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर जनरल क्वेरीज कोई भी ROC से रिलेटेड, GST से रिलेटेड या और अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रोच कर सकते हैं, हम इंस्टेंट बेसिस पे या इंस्टेंट कुछ टाइम के अंदर ही आपको रिप्लाई करने का सोचेंगे। आपकी ROC की इस सीरीज के लिए जो राहुल के साथ अभी हम डिस्कशन के रूप में निकाल रहे हैं, इस सीरीज के लिए आपको #टैग यूज करना होगा जब भी अगर आप हमें सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको एक #टैग यूज करना है ROC with Rahul। मैं रिपीट करना चाहूंगा #टैग ROC with Rahul। आप मेल ID पे भी हमें रीच कर सकते हैं rahul.sharma@kgsm.in। आप इन चीजों वीडियो को पॉज करके मेल ID को नोट करें, हमारे तक रीच बढ़ाएं और हमारी सोशल मीडिया पे आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हम ऐसा कर देंगे कि ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बिल्कुल, हम ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप हमें इजिली रीच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड तो आप हमें कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हो या फिर Amazon Fire TV पे, हम अलग अलग चैनल्स पे, OTT प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे पिंग कर सकते हैं, आप हमें Facebook, Instagram, LinkedIn, मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना कहीं भी जाइए हमको वहाँ पाओगे। बिल्कुल, आप
टैक्स फॉर वेल्थ के नाम से सर्च कर सकते हैं, टैक्स फॉर वेल्थ नाम से सर्च करिए, इवन आप हमें भी ढूंढ सकते हैं, जिसमें हम पर्सनली भी आपको जो भी चीजें सजेशन लाइक होंगी वो हम सारी चीजें आपको सजेस्ट करेंगे। बेटर सर्विसेज के लिए टैक्स फॉर वेल्थ को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।